हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स एंड थाट्स के ऊपर में। ठीक है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी थाट्स एंड उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, साथ ही साथ आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आप या तो अपने पर्सन के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रीडिंग को देख सकते हो, यानी कि आपके पर्सन का जो नाम है वो किस अक्षर से स्टार्ट होता है, वैसे भी आप अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हो, नहीं तो फिर आप कार्ड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर वन, ये वाले कार्ड है ऑप्शन नंबर वन के लिए, और नेम इनिशियल आपको थंबनेल में नज़र आ जाएगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हो कि जो आपके पर्सन है उनका नाम का पहला अक्षर किस वाले ऑप्शन में। ठीक है, so this card is for option number one and this is for second option। जो भी card, जो भी option आपको attract करती है उसको आराम से select करें। and general reading है तो आपके साथ जितनी resonate होगी आप उतनी रखिएगा, जो resonate नहीं होती है उसे जाने दें। सारी message आपके साथ resonate हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ये रीडिंग सभी के लिए, इट मीन्स आप किसी भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं, जेंडर इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। ऑल्सो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, तो ये रीडिंग आपके सामने कभी भी आई है आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाले कार्ड सेलेक्ट की है क्वीन ऑफ कप्स, या फिर आपने अपने पर्सन के नाम का पहला अक्षर वैसे सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपकी है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करेंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको और भी रीडिंग्स मिल सके। चैनल पे प्लेलिस्ट होती है उसे भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी रीडिंग्स मिल जाएगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन अभी फिलहाल। We have five of swords, well deserved reward. We have shine, star, third eye chakra, and release. आप लोगों के लिए जो साइंस नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर है एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो एंड आफ्टर दैट वी हैव जेमिनी, लिब्रा एक्वेरियस, एयर साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा जैसे कि आप ट्विन फ्लिप जर्नी में हो। ठीक है, एंड आपकी जर्नी मुझे बहुत आसान नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी डिफिकल्ट नज़र आ रही है। पहला कार्ड ही आया है विन और लूज का। ठीक है, सो इस कनेक्शन में काफ़ी सारे अप्स डाउन्स है और मुझे दिख रहा है जैसे आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स होते रहते हैं। ठीक है, लास्ट के 6 मंथ्स आप लोगों के लिए इजी नहीं रहे हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस आप लोगों के बीच में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कि कभी कभी आपके पर्सन आपकी तरफ उनका बिहेवियर काफ़ी रफ हार्श हो जाता है जिससे आप बहुत हर्ट फील करते हो। ठीक है, एंड इस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों पर्सन ही अपनी एनर्जीज पे फोकस हो, आप दोनों अपने आप को ग्रो कराने की कोशिश, एंड समवेयर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप दोनों अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ के ऊपर में फोकस हो, आप दोनों अपनी ग्रोथ के ऊपर में आपका ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, एंड विद द कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इवन दो आप दोनों कनेक्शन में हो, आप दोनों रिलेशनशिप में हो, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो, बट समवेयर आपकी सिचुएशन फिलहाल ऐसी चल रही है जहाँ पर आप दोनों के बीच में चीज़ें साथ में लेके नहीं चल पा रहे हो। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप में होते हैं तो हम प्लान करते हैं कि साथ में हमें क्या करना है, साथ में फ्यूचर कैसा होना चाहिए, आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, बट मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए सेंस हो रहा है कि इवन दो आप लोग कनेक्शन में हो फिलहाल, लेकिन फिर भी आप दोनों की जो चीज़ें हैं ना लाइफ की, जो डेली रूटीन्स है या जो भी प्लानिंग है वो साथ में नहीं हो रही है, वो अलग अलग आप लोग कर रहे हो। ठीक है, आप अपने लाइफ के काम, अपने ग्रोथ, वो अलग है आपके। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ इस पर्सन से शेयर नहीं कर पाते हो, ये पर्सन आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन दिख रहा है आप लोगों की एनर्जीज में, और हो सकता है बहुत सारे बातों पे आप दोनों की जो विचार है, जो सोच है, वो मिल नहीं रही है इस टाइम पे। ठीक है,
ऑल्सो यहाँ पे आप दोनों, हो सकता है कुछ लोग साथ साथ होते हुए भी काफ़ी अलग महसूस कर रहे हो, ठीक है। एंड पास्ट की कुछ बातें, या फिर हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को कुछ कहा हो और इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपने काफ़ी रफ वर्ड्स बोले, ठीक है, और आपको फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी हर्ट किया है, और दोनों पर्सन ही यहाँ पर देख रहे हो कि अकेले रह के आप लोग किस तरह से खुद को हील कर पाते हो, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली इस टाइम पे ये है कि इस रिलेशन से थोड़ा ध्यान हटाना है, एंड आपने इनको शायद कुछ कहा है, रियलिटी कुछ भी हो सकती है, बट इस पर्सन को फील हो रहा है दैट आपने इनको बहुत भला बुरा कहा, हर्ट किया, तो फिलहाल ये उन सभी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, मे बी भूलने के लिए या फिर उस चीज़ को समझने के लिए कि आपने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। एंड विद द कार्ड ऑफ रिलीज, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फॉरगेट समथिंग, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसको ये रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं एंड देखते हैं हमें और क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल आपके कनेक्शन में 19 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। 19 नंबर इस पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, आपका हो सकता है, 23 एंड 40 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, 26 कैन बी योर एज और दिस पर्सन एज, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या समझ में आ रहा है हमें। Why is win or lose card here? यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड गिरा है, ठीक है। Why is well deserved reward? यहाँ पे स्ट्रेंथ है, किंग ऑफ वैंड्स है, वाइज हील कार्ड हियर, पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कॉइंस एंड द मैजिशियन। सो यहाँ पे जो कार्ड आया है विन और लूज का क्लैरिफायर है वो टेम्परेंस का, ठीक है। आपके पर्सन के लिए डेफिनेटली मुझे नजर आ रहा है कि ये एक ऐसे नेचर के पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही रफ बोलते हैं, या इनको जब गुस्सा आता है तो उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। करंटली आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि इनको उस टाइम पे पेशेंस रखना चाहिए था, ठीक है, इनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था एंड चीज़ों में समझदारी दिखानी चाहिए थी, ठीक है। हो सकता है इन्होंने हड़बड़ी करके कोई गलत डिसीजन ले लिया था या फिर कुछ ऐसा कह दिया था जिसके ऊपर बाद में इनको काफ़ी पछतावा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हुआ था, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो करेंटली आपके पर्सन, हो सकता है इसने आपको हर्ट किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद दिस कार्ड विन और लूज ऐसा कहा हो कि मुझे आपके साथ अब रिलेशनशिप नहीं रखनी है, तो फिलहाल ये अफसोस कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर में, ठीक है। और इनको लग रहा है कि उस टाइम पे वो शब्द इनके मुंह से बाहर नहीं निकलने चाहिए थे, ओके। एंड नाउ वी हैव दिस कार्ड स्ट्रेंथ एंड वेल डिजर्व रिवॉर्ड। सो करेंटली दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ या हरसेल्फ, ठीक है। ये पर्सन अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को और पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ये काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पे फोकस है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो हो सकता है ये पर्सन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, मे बी अपने हेल्थ के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं करेंटली। एंड नाउ वी हैव दिस कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड साइन। मुझे आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है करेंटली कि समवेयर आपके करियर में भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है, और या एग्जाम्स चल रहे हैं या कोई प्रमोशन या कोई कंपटीशन आप देख रहे हो, एंड करेंटली आप दोनों पर्सन अपने अपने करियर और अपने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स एंड हील का कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि इवन दो आप दोनों ऐसा दिखा रहे हो कि आप अपने लाइफ में फोकस हो, ये अपने लाइफ में फोकस है, फिर भी एक दूसरे के बारे में जानने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो ये पर्सन जानना चाह रहे हैं, इनके लाइफ में क्या चल रहा है वो आप जानना चाह रहे हो, एक दूसरे के बारे में जो क्यूरियोसिटी है वो बनी हुई है आप लोगों की, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। यहाँ पे हील का कार्ड है, तो जो मन में वुंड है, जो मन में घाव है, जो मन में तकलीफ है, उसको आप दोनों बात करके कि आपने ऐसा क्यों कहा, इस पर्सन ने आपको क्यों कहा वैसा, वो क्लैरिटी आप दोनों चाहते हो, ठीक है। एंड वी हैव थर्ड आई चक्र, टू ऑफ कॉइंस। यहाँ पे चाहे जो भी हो, आप लोगों के मन में जो भी बातें चल रही है, चाहे नाराज़गी है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक काफ़ी मिस कर रहे हैं, ठीक है। टू ऑफ कॉइन्स फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग या तो काफ़ी टाइम से सिर्फ पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, एंड बहुत पास्ट की मेमोरीज, पास्ट में जो अच्छे टाइम बिताए थे वो काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैजिशियन है,
एंड रिलीज का कार्ड है, ठीक है। तो यस, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इनको समवेयर लग रहा है कि इनको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, ठीक है, कुछ चीज़ों को रिलीज करना चाहिए और फिर से अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पे ले जाना ताकि वो गलतियां रिपीट ना हो जो पास्ट में रिपीट की, ठीक है। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यहाँ पे 10 of Coins है, एस ऑफ सोर्ड्स है, 4 of Coins है, ठीक है, 2 of Wands। तो इस पर्सन को अभी फिलहाल ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे काफी ज्यादा दूर हो, ठीक है, और वो दूरियां खत्म करना चाहते हैं। 10 of Coins है तो ये आपसे कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में बिगड़ गई है ना उसको वापस से ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इनके चारों तरफ काफ़ी लोग हैं बट इनका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, लाइक वर्क में मन नहीं लग रहा है, फैमिली में मन नहीं लग रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, एंड जो फीलिंग्स आपके मन में छुपी हुई है, इनके मन में छुपी हुई है, जो बातें, जो तकलीफ दे रही है, उस पर बात करके क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज इनकी स्ट्रांग इंटेंशन है कि ये वापस से आपके साथ यूनियन में आ जाए, ठीक है। 10 of Coins है, हो सकता है आप में से कुछ लोग, बहुत सारे नहीं बट हो सकता है 10% लोग इस रीडिंग को जो देख रहे हैं वो मैरिड है, तो ये आपके साथ वापस से रहना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं और हमें क्या पता चलता है इस कनेक्शन के बारे में। यहाँ पे फाइट है, तो उस टाइम पे हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ओके, फाइट। यहाँ पे पावर हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लाइक अगर आप मुझसे नाराज हो तो मैं भी आपसे नाराज हूँ, ठीक है। तो वो एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है, एंड यहाँ पे मेमोरी है बट एक दूसरे को काफी ज्यादा याद कर रहे हो, ठीक है। एंड हो सकता है पास्ट में आप लोगों ने लड़ाई झगड़े कर लिए थे, उस चीज को आप लोग काफी ज्यादा याद कर रहे हो। बॉटम में है पेशेंस, तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है इस टाइम पे। सो लेट्स सी चैनल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, फिर हम गाइडेंस भी देखेंगे इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपके पर्सन की तरफ से क्या है चैनल मैसेजेस, क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। You make me feel things I have never felt before. Okay. तो ये पर्सन आपके साथ इन्होंने जैसा आपके साथ फील किया वो कभी भी किसी और के साथ नहीं फील किया, ठीक है। अच्छी भी चीज़ें हो सकती हैं, बुरी भी चीज़ें हो सकती है, बट आपके साथ जैसा फील किया वो फिर किसी और के साथ नहीं फील किया, ठीक है। आई केप्ट द टेक्स्ट, ओके, आपने जो भी इनको टेक्स्ट मैसेजेस भेजे हो या जो भी टेक्स्ट कुछ भी लिख के भेजा हो वो इनके पास अभी भी है, ऐसा ही आपको बोलना चाहते हैं। यहाँ पे आई स्टॉक यू, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड है, तो यस, ये स्टॉक करते हैं आपको, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते रहते हैं, ठीक है, आप क्या लिख रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, यहाँ पे वो एनर्जीज है। लेट्स सी व्हाट एल्स, समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, तो कभी कभी इनको ऐसा फील होता है कि काश आप इनसे मिले ही नहीं होते, ठीक है। तो यस, हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं इसलिए ये मैसेज यहाँ पे है। आई टॉक टू यू अलॉट इन माई हेड, ये पर्सन आपके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू, तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे, उसके चलते भी इनको काफ़ी चिड़चिड़ापन लगता है, ठीक है। जैसे ये आपसे बात करना चाहते हैं बट बातें नहीं हो पा रही है, सो वो चीज़ें इनको काफ़ी बुरी लगती है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के कनेक्शन के लिए यूनिवर्स को क्या गाइडेंस देना है, आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 1 को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। यहाँ पे है इंट्यूटिव नजेस, इंट्यूशन इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल, वी आर ऑल बॉर्न अवेयर विद अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ इनर नोइंग। इंट्यूशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी पोजेस विच कीप अस कनेक्टेड टू आवर हायर सेल्फ द यूनिवर्स एंड टू आवर डिवाइन स्पिरिट। यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है जैसे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है, साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना है,
गिव बैक का मैसेज है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को इस सिचुएशन में थोड़ा पेशेंस रखना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है। बट हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, इस वजह से जो डिसीजन आप ले रहे हो वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे गिव बैक है और न्यू बिगनिंग्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो आप उन सभी चीज़ों से अपना फोकस हटा लें जो चीज़ें आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करती है, और पेशेंटली वेट करें। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि आपको स्टेप नहीं लेना है इस टाइम पे, तो आप वेट कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको जो रिलेशनशिप को आप ख़राब कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, ये रीडिंग है आपकी ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताएं ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है टेम्परेंस, या फिर आपने पर्सन के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे चैनल मैसेजेस भी देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आती है आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप उसे देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या पता चलता है आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं फिलहाल आपके बारे में। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन नंबर 2 के लिए क्या है। डिटैच, शेयर द लव। यहाँ पे कंट्रोल है, spread your wings, find balance and believe and succeed. So आप लोगों के लिए जो साइंस यहाँ पे दिख रहा है वो है वर्गो, यहाँ पे कुछ लोग लियो, एरीज लियो सैजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। नंबर 22, 28, 26, 36, 11, 19 and 11, 11, ये सभी नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं वो ऐसा है कुछ लोगों के लिए कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दो मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सो जो भी आपके साथ रेजोनेट हो आप रख सकते हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है ऐसा कि हो सकता है ये कनेक्शन कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो चुका था, फिर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन पहले आपसे बात करना बंद कर इन्होंने कर दिया था, आप लोग सेपरेट हो गए थे, फिर इस पर्सन ने आपको कुछ ऑफ़र किया या आपसे बात करना स्टार्ट किया, ठीक है। बट इस टाइम पे आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, या आप समझ नहीं पा रहे हो कि अचानक से ये पर्सन आपके लाइफ में क्यों लौट के आए हैं, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आप दोनों पर्सन एक दूसरे को पसंद करते हो और आप लोगों के बीच में एक लाइकिंग है, नया कनेक्शन है। एंड हो सकता है ये पर्सन आप में काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बट आप इस टाइम पे रेडी नहीं हो, या आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हो उस कनेक्शन में, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ये सिचुएशंस मुझे नज़र आ रहा है इस ऑप्शन के लिए। ओके, तो करेंटली मैं यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से सेपरेट थे, या फिर बात बिल्कुल बंद हो गई थी, एंड अचानक से ये पर्सन फिर से आ गए हैं आपके लाइफ में, तो आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे कंफ्यूज हो गए हो कि क्यों आए हैं ये पर्सन, जब इन्होंने आपको छोड़ दिया था, या फिर जब इन्होंने बात करना बंद कर दिया था, जब सेपरेशन हो गया था, या जब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, या हो सकता है आप मूविंग ऑन का कार्ड है, तो आप लोग एक दूसरे से मूव ऑन कर चुके थे, वो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। या हो सकता है इस पर्सन ने अपने करियर, अपने फैमिली की वजह से आपसे दूरियाँ बना ली थी, सो वो दिखता है। तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल आपको अपने लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं, ये वापस से कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं। इनको आपका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है कि आप भी इनको लाइक करते थे उस टाइम पे, बट क्यों आप इनके इतने मेहनत करने के बाद भी वापस से नहीं आ रहे हो। इनको लग रहा है कि आपके मन में भी फीलिंग्स है, बट आप उसको कंट्रोल करते हो, ठीक है, और ये वेट कर रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को कब खोल के दिखाओगे, ठीक है। क्योंकि इनको पूरा विश्वास है कि आप इनको एक चांस दोगे ज़रूर, ठीक है। इनके इनके मन में वो बिलीव है अभी भी, इनको लग रहा है कि इन्होंने जो एफर्ट्स उस टाइम पे डाले थे और फिर से जो ये कोशिश कर रहे हैं तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, ये सक्सेसफुल होंगे अपने एफर्ट्स में। इनको पूरा भरोसा है कि आप इनको एक चांस और दोगे, ठीक है।
एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कनेक्शन कैन बी अ फ्रेश वन, एक नया कनेक्शन हो सकता है एंड दैट्स वाई ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और ये आपको अपना लव कन्फेस हो सकता है इन्होंने किया है रिसेंटली, बट आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो और ये पर्सन विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि इनके ऑफर को मे बी इनको लगता है कि आप इनको पसंद करते हो बट हो सकता है कुछ डिफरेंस है फैमिली कास्ट कुछ, या फिर हो सकता है आप कनेक्शन में अभी फिलहाल नहीं आना चाहते हो बट ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो वो फिलहाल आपकी तरफ काफ़ी मेहनत करना चाहते हैं, कनेक्शन को अच्छा करना चाहते हैं, अगर ये नया कनेक्शन है तो आपके साथ एक नया कनेक्शन को और मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर टिल नाउ, चलिए देखते हैं और क्या पता चलता है। Why is detached card here? King of coins का card है. Why is share the love? Three of wands. Three of cups के लिए यहाँ पे three of wands का card है. हो सकता है आपके situation में third party रही और third party की वजह से काफी problem हुई, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे जब जब आप काफ़ी सीरियस थे इस रिलेशनशिप को लेके, आप काफ़ी कुछ प्लान करके बैठे थे, आपने काफ़ी सपने देखे थे, ठीक है, तब हो सकता है इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया हो, ठीक है, और आप उस टाइम पे काफ़ी होपलेस हो गए, काफ़ी अकेले हो गए। यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, डिटैच का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको शादी के लिए बोल के फिर मना कर दिया, ठीक है। तो काफ़ी सीरियस हो चुके थे जिस टाइम पे इस पर्सन ने आपको छोड़ा था या फिर अलग हुए थे आप लोग, तो इस वजह से हो सकता है कि आप इस पर्सन पे फिर से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड वी हैव दिस कार्ड थ्री ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ कप्स, ओके। सो यस, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि जो चीज़ ये पर्सन अभी फ़िलहाल आपको ऑफर कर रहे हैं वो चीज़ आपको उस टाइम पे ऑफ़र नहीं की थी जिस टाइम पे आपने हाथ बढ़ाया था, ठीक है, चाहे वो मैरिज की बात हुई थी या कोई प्रॉमिस था या साथ देने की बात थी या आपका विश्वास बनाए रखने की बात हुई, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड हो सकता है थर्ड पर्सन की वजह से ये आपको छोड़ के गए हो, इसलिए आप फिलहाल इन पर फिर से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई कैन सी हियर, और यहाँ पर टेन ऑफ कप्स है एंड कंट्रोल है, तो यस हो सकता है आपको लग रहा है कि ये पर्सन फिर से आप इन पर ट्रस्ट करोगे तो ये फिर से आपका ट्रस्ट तोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये कहीं मैरिड है या इनका कोई और रिलेशनशिप तो नहीं है कहीं पे, इस वजह से आप इन पर फिलहाल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और आप इस बार जो भी चीज़ें करना चाहते हो वो बहुत सोच समझ के करना चाहते हो, ठीक है। एंड एम्परर एंड स्प्रेड योर विंग्स है, तो आपके मन में मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही है बट आप उसे दिखाना नहीं चाहते हो, ठीक है। आप वेट करना चाहते हो, आप इंतज़ार करना चाहते हो, आप सोचना चाहते हो, समझना चाहते हो, फिर से हर्ट नहीं होना चाहते हो, वो यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। द चैरियट एंड फाइंड बैलेंस का कार्ड है, मुझे ये पर्सन काफ़ी आपकी तरफ सीरियस दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ही एक होता है मन बना के आना, वो मन बना के ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं बट आपको कहा जा रहा है फाइंड बैलेंस, आप जो भी डिसीजन ले वो बहुत ही सोच समझ के ले। हो सकता है ये पर्सन बोलते हैं और बहुत जल्दी अपने बातों से पलट जाते हैं, इसलिए इस टाइम पे आप इन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। विद द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स एंड बिलीव एंड सक्सीड, ये हो सकता है इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने पास्ट में कोई और होता तो वो आपके पास नहीं आता जितनी बड़ी इन्होंने गलतियाँ की है, बट ये पर्सन भूल चुके हैं। काफ़ी एक इनोसेंट एनर्जी है जहाँ पर कुछ गलतियाँ करके भी उसको याद नहीं करना, ठीक है। अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट आपकी तरफ ये पर्सन कुछ ऑफर कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे वो दिख रहा है। लेट्स सी आपको इस पर्सन पे फिलहाल ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जो इनकी एनर्जीज है इस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड है,
थ्री ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, ऑप्शन नंबर टू. इस टाइम पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि जो भी आप करोगे वो आपको बहुत ही सोच समझ के करना है, ठीक है. क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, या ये मैरिड है, आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, और आपको लग रहा है जैसे कि अभी फ़िलहाल तो ये पर्सन आपके साथ काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे हैं, चीज़ों को काफ़ी चीज़ें बैलेंस में लाने की बात कर रहे हैं और आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बट आपको कहा जा रहा है डेट कुछ और भी चीज़ है जिसको हो सकता है आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है. आपको इस टाइम पे थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, वेट करने के लिए कहा जा रहा है. इवन दो अभी फ़िलहाल अगर आपके पर्सन जो भी बोल रहे हैं वो सच है, ठीक है, जैसे अगर ये आपके साथ कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन में आने की बात कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, तो वो सही है, ठीक है, लाइक सच्चे मन से वो चीज़ें कर रहे हैं आपकी तरफ. बट इन फ्यूचर हो सकता है कि फिर से आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी, निराशा देखने को मिलेगी, स्पेशली तब जब ये पर्सन मैरिड है, ठीक है. अगर ये मैरिड है, इनकी वाइफ है, या फिर ये किसी और रिलेशनशिप में है या कमिटमेंट में है और फिर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि ये आपको फिर से डिसअपॉइंट करेंगे, आप फिर से सैड हो जाओगे, ठीक है. ये फिर से चीज़ों को बैलेंस में नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके. तो आप सोच समझ के डिसीजन लें. अगर आप फिर से हर्ट नहीं होना चाहते हो देन आप देख लें कि आपको क्या करना है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फ़िलहाल जो ये बोल रहे हैं वो सच है, बट इन फ्यूचर अगर आप इन पर ट्रस्ट करते हो तो ये चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है. आप जो चाहते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर. बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन अपने करियर में काफ़ी बिजी है उस वजह से, या हो सकता है ये मैरिड है या किसी और सीरियस कमिटमेंट में है. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर. यहाँ पे वाइस का कार्ड है एंड देन वी हैव पेशेंस एंड वी हैव क्वेश्चन. ओके, तो आपको इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने चाहिए, ठीक है. फ्यूचर भी है यहाँ पे, सिंप्लिसिटी है. तो ये पर्सन आपके साथ क्यों आना चाहते हैं, आपको बिल्कुल इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने चाहिए, बहुत सारी क्लैरिटी लेनी चाहिए बिफोर आप इन पर ट्रस्ट करो, ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ पूछना है आप पूछ लें, ठीक है. अदरवाइज आप हो सकता है फिर फ्यूचर में आपको अफसोस हो कि आपने क्यों नहीं पूछा. ओके, हो सकता है इस पर्सन का आपके साथ काफ़ी सारा एक जुड़ाव है, ठीक है, और वो जुड़ाव नीड की वजह से हो सकता है, किसी ज़रूरत की वजह से हो सकता है, ठीक है. एंड वो नीड कुछ भी हो सकता है, फिजिकल नीड हो सकता है, मॉनिटरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो आप अपना भला देखें, आपका फ्यूचर कहाँ पे सही है, सही डिसीजन आप सोच के लें. सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे आपको नहीं लेना है, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी भी आपको दिखानी है इस सिचुएशन में, ठीक है. सो चलिए अभी फ़िलहाल हम आपके लिए चैनल मैसेजेस देखेंगे इस पर्सन की तरफ से, ठीक है. क्या चैनल मैसेजेस है, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम. ओके, तो इनको पता है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, इनकी वजह से चीज़ें खराब हुई है. तो यहाँ पर वो मैसेजेस है जो आपको ये बोलना चाहते हैं. आई टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू. ओके, तो इन्होंने अपनी फैमिली को आपके बारे में बताया है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. डोंट बी सो इनसिक्योर, ये आपको कहना चाह रहे हैं कि आप इतना इनसिक्योर मत फील करो. तो हो सकता है आप लोग की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, ये पर्सन मैरिड है. Just to call you, I don't want you to ignore me. ठीक है, तो ये आपको कॉल करना चाहते हैं बट काफ़ी नर्वस फील कर ये पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं बट काफ़ी नर्वस फील करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप वो कॉल इग्नोर कर दोगे. यहाँ पे मैसेज है, आई नो यू आर द वन फॉर मी. तो ये आपको लेके काफ़ी सीरियस है बट अपने फीलिंग्स को जो वादा आपसे करेंगे वो कितना निभा पाएंगे वो श्योरिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है. Just say something to me. Okay, तो ये आपसे कह रहे हैं कि इनको कुछ भी आप बोलो, ठीक है, कुछ कहो. I hope I haven't lost you. इनको कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे कि मैंने कहा था आपको कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, इन्होंने खो दिया है आपको. And I feel like you have moved on from me. ठीक है, और यहाँ पे भी move on का कार्ड था आपके पास, तो कहीं ना कहीं ये फील कर like आप move on कर चुके हो. ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, व्हाट शुड यू डू.
नाइट ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में थ्री ऑफ सोर्ड्स है, सेवन ऑफ सोर्ड्स। सो आप जो कर रहे हो वो करते रहे, लाइक आप अपनी ग्रोथ पे फोकस हो, अपने ऊपर फोकस हो, अपना भला सोचे, ना कि सिर्फ इमोशंस में आपको बहना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन जितनी स्पीड के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं उतनी स्पीड के साथ वापस भी चले जाएंगे, ठीक है। फिर आप हर्ट फील करोगे। सो यस, ये जो भी आपको ऑफर कर रहे हैं दैट इज़ नॉट स्टेबल, ठीक है। वो कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम तक आपको खुशियाँ मिलेंगी, देन फिर आप हर्ट फील करोगे, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्स है बॉटम में, सेवन ऑफ सोर्स है, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, ऑप्शन नंबर टू। मुझे बताएं आपके साथ रेजोनेट हुई नहीं हुई, एंड आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो भी बताएं, एंड कोई सजेशन है तो भी आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, बेस्ट ऑफ लक।